आज की वीडियो बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाली है। दो फोन बहुत डिमांड में है, आईक्यू Z7 Pro और इन्फिनिक्स का यहाँ पे 030। तो आज इनका यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल हीटिंग टेस्ट करने वाला हूँ। आपको इस टेस्ट में प्रॉपर ये पता चल जाएगा कौन सा डिवाइस कितना हीट करता है। तो डायमेस्टी 7200 कैसा हीट को मैनेज करता है और यहाँ पे डायमेस्टी 8020 कैसा मैनेज करता है हीट को, सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे पता करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको रूम टेम्परेचर दिखा देता हूँ कितना यहाँ पे रूम टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 29 डिग्री यहाँ पे रूम टेम्परेचर है। और डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, ये है हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिक्स, तो इसका यहाँ पे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर ही है 29.4 और वही सेम 29.4 और 29.5 आईक्यू का यहाँ पे टेम्परेचर है। तो दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, एक बार मैं इनको यहाँ पे बूट कर देता हूँ दोनों डिवाइसेस को। तो बूट करके सबसे पहले हम यहाँ पे चार्जिंग करेंगे कुछ यहाँ पे 10 से लेके 15 मिनट के बीच में, तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि चार्जिंग के वक्त यहाँ पे कितना यहाँ पे फ़ोन चार्ज गर्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे 10 से लेके 15 मिनट की एक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जो कैमरा यूज़ करने के ऊपर गर्म हो जाते हैं, वो भी आइडिया मिल जाएगा। देन हम उसके बाद यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग करेंगे। देन उसके बाद हम लास्ट में जो गेमिंग वाला टेस्ट कर देंगे, 10 से लेके 15 मिनट की गेमिंग करेंगे BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो आइडिया मिलेगा पूरी हीटिंग का। तो आज की रियलिटी टेस्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो दोनों फ़ोन्स के हम यहाँ पे चार्जर से इसको चार्ज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताई है, इसके ऑफिशियल चार्जर जो रहते हैं उनसे हम चार्ज करने वाले हैं। ये इन्फिनिक्स वाला चार्जर है और ये आईक्यू वाला चार्जर है, दोनों को सेम टाइम के ऊपर हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। तो चार्जिंग शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो इनकी बैटरीज हैं वो बिल्कुल मिडल में है, आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। 67% के ऊपर आईक्यू है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे चार्जिंग के ऊपर लगा देते हैं। तो ये चार्ज होना यहाँ पे शुरू हो गया है। और दूसरा है यहाँ पे इन्फिनिक्स वाला फ़ोन, इसकी मैं आपको एक बार बैटरी दिखा देता हूँ। तो ये 47 के ऊपर है, तो ये मिडल में ही है, बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं है। तो मिडल से ही चार्ज करेंगे ताकि आपको ये आइडिया मिल सके कि बिल्कुल बैटरी ख़त्म नहीं है। तो 7:09 के ऊपर हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम ये टेस्ट करेंगे 10 से लेकर 15 मिनट तक, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी यहाँ पे बढ़ गई है, बैटरी परसेंटेज आप चेक कर लेना। और टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हो 7 या 8 डिग्री इंक्रीज हो गया आईक्यू में। और इन्फिनिक्स में दिखा देता हूँ आपको, इन्फिनिक्स ने यहाँ पे ज़्यादा राइज नहीं किया है टेम्परेचर, 35 डिग्री यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है, तो 5 डिग्री का फ़र्क है। तो बैटरी टेस्टिंग के बाद यहाँ पे जल्दी से टेस्ट हम दोबारा रन कर देते हैं। आपने टेम्परेचर चेक कर ही लिए हैं, 35 और 37 बोल सकते हो। अभी हम यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, वो भी 4K में रिकॉर्ड करेंगे। तो दोनों को यहाँ पे 4K 30 FPS में मैं शूट कर रहा हूँ। टाइमिंग में आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे 7:23 हो चुके हैं, इसको यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो दोनों फोन्स को अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। तो एक बार फिर भी आप टेम्परेचर देख लीजिए हल्का सा, ये 30 आईक्यू यहाँ पे 38 के ऊपर आ गया, 39 के ऊपर आ गया अप्रॉक्सीमेटली। और इन्फिनिक्स वाला भी देख लीजिए एक बार, तो वो भी यहाँ पे 37 को टच कर गया है अप्रॉक्सीमेटली, 37.8 ही आ गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये भी यहाँ पे 31 डिग्री ज़्यादा, आप यहाँ पे खुद ही चेक कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे
11 मिनट के अराउंड हो चुके हैं, 12 ही बोल सकते हो। टेम्परेचर देखो एक बार आईक्यू का, तो आप देख सकते हो टेम्परेचर बहुत रेज हो गया है, 43 भी क्रॉस कर गया है, 44 तक आ गया है, और अभी इन फिनिक्स का चेक करवा देता हूँ। तो कमाल ही हो गया भाई, यहाँ पे दोनों का 44 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर आ गया है, ये भी 44 के ऊपर, ये भी 44 के ऊपर। 10 मिनट का यहाँ पे कैमरा टेस्टिंग इसीलिए की गई है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब हम यहाँ पे कोई फोटोज़ क्लिक करने लगते हैं तो 5-7 मिनट तो कैमरा यहाँ पे ऑन रहता ही है जब हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं। लगातार करोगे तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर का आइडिया मिल ही गया है कितना यहाँ पे टेम्परेचर रेज करता है। चलो अब हम यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट करते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या बनता है। सभी लोग आपको यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग डायरेक्टली ही शुरू कर देते हैं, मतलब स्टार्टिंग से सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट दिखा देते हैं, लेकिन असली जो मायना है सीपीयू थ्रॉटलिंग का वो पता तब चलता है जब कोई यहाँ पे डिवाइस कोई इंटेंसिव टास्क करके आ रही हो, फ़ोन यहाँ पे ऑलरेडी गर्म हो, तभी यहाँ पे आइडिया मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग के बारे में पता चलेगा। अभी इनकी औकात सामने आएगी, कितना यहाँ पे टेम्परेचर रेज करेंगे, कितना ये ग्राफ लेके आएंगे, ग्रीन रहेगा रेड रहेगा, ये डिपेंड करता है इनकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अभी यहाँ पे टक्कर दोनों में यहाँ पे डायमेंसिटी में ही है, देखते हैं कौन सा डायमेंसिटी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। ये जो टेस्ट है ये किसी स्कोर्स को लेके नहीं है, स्कोर्स डेफिनेटली 7200 के ज़्यादा रहेंगे, लेकिन एक स्टेबिलिटी होती है प्रोसेसर की, उसके बारे में हमें आइडिया मिल जाएगा। तो 15 मिनट का यहाँ पे टेस्ट है, तो 15 मिनट तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो टेस्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आईक्यू को देखते हैं टेम्परेचर कितना यहाँ पे रेज किया है इसने, तो ये यहाँ पे 45 डिग्री तक यहाँ पे मैक्सिमम दिखा रहा है टेम्परेचर, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो 45 पॉइंट समथिंग। आगे यहाँ पे इनफिनिक्स का चेक कर लेते हैं, तो इसने अपना टेम्परेचर यहाँ पे मुझे लगता नहीं ज़्यादा राइज किया है, इसने टेम्परेचर ड्रॉप किया है, इसका मैक्सिमम यहाँ पे 40 डिग्री आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसने अपने थर्मल्स को यहाँ पे कंट्रोल किया है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं सीपीयू थ्रॉटल यहाँ पे बिल्कुल ही ना के बराबर है, 90% यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटल हुआ है, और आगे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मैक्सिमम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इसका मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे 237 आया है, एवरेज 225 और मिनिमम यहाँ पे 2 लाख। वहीं दूसरी साइड की अगर बात करता तो मैक्सिमम यहाँ पे 1,50,880% यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटल हुआ है, और साथ में एवरेज इसकी 148 और मिनिमम यहाँ पे 1,22,000 यहाँ पे स्कोर निकल गया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे काम हुआ है सीपीयू वाले टेस्ट में, और आप अच्छी बात यह है कि जो इनफिनिक्स उसने टेम्परेचर को डाउन किया है, लेकिन वही आईक्यू ने यहाँ पे टेम्परेचर को रेज कर लिया है, तो 45 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो आगे हम यहाँ पे 10-15 मिनट की गेमिंग करके देखेंगे एक बार, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा काम निकल के आता है। तो दोनों ही फोन्स में हम यहाँ पे आईक्यू वाले डिवाइस, तो दोनों ही फोन्स में हम यहाँ पे गेम यहाँ पे रन करेंगे। आईक्यू वाले डिवाइस में हम यहाँ पे TDM रन करेंगे BGMA में, और क्वालिटी का यहाँ पे हम रन करेंगे इन्फिनिक्स वाले डिवाइस में। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. I need a way. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. तो ये हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे पूरे 8:04 के ऊपर, तो ये भी हम यहाँ पे रन करते हैं। Team is unstoppable!
contact with enemy. तो पिस्टल से बहुत बंदे मार दिए हमने। तो यहाँ पे 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्परेचर चेक करते हैं इन्फिनिक्स का, जिसमें हम कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले कर रहे थे, तो वो यहाँ पे 34 तक पहुँच गया है। अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर मैं आईक्यू की बात करता हूँ तो वो यहाँ पे 32 तक यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम टेम्परेचर 32, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में 32 यहाँ पे और दूसरे में यहाँ पे 33 पॉइंट समथिंग है, तो सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों ने यहाँ पे काम क्या किया है। जैसे इन्फिनिक्स का यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन रहा है, हमने देखा ही है सारे टेस्ट में, तो ये आईक्यू से एक नंबर नीचे ही रहा है। आईक्यू थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर रेज करता है, 45 डिग्री तक यहाँ पे मैक्सिमम चला गया था, आपने देखा ये चीज, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मेरा आज यहाँ पे रियलिटी टेस्ट करने का ये मकसद था कि जब हम जो चीजें हम यहाँ पे रियल लाइफ में करते हैं वो चीजें करने के बाद टेम्परेचर कितना रेज होता है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। अगर आप ऐसा ही आगे कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, ताकि ऐसे कॉन्टेंट आगे भी मिलता रहे और ऐसे ही यहाँ पे रियलिटी चेक हम करते रहे हीटिंग का। तो मिलते हैं ऐसी नहीं बाकी वीडियो में।